एक तारीख से 7 तारीख तक पूरे करनाल के अंदर पूरे हरियाणा में विशेष सफाई अभियान चलाया गया था, जिसके तहत 3 जेसीबी मशीनें करनाल के अंदर, करीब 11 ट्रैक्टर ट्रोली और 80 से 90 कर्मचारी अलग अलग जगहों पर जाकर विशेष सफाई अभियान चला रहे थे, जिसमें घरों का जो मलबा होता है, कोई घर बना रहा है बाहर मलबा रह जाता है वो मलबा उठाया गया, साथ ही साथ सड़क किनारे जो मलबा होता है वो उठाया गया, इसके अलावा बाकी जो मलबा होता है वो उठाया गया और अलग अलग डंपिंग पॉइंट पर छोड़ा गया, और उसी का निरीक्षण करने के लिए अब सीएम फ्लाइंग की टीम मौके मौके पर जा रही है कि कहां कहां पर सफाई अभियान हुआ, कितना सफाई अभियान हुआ, कैसे सफाई अभियान हुआ, क्या वो सफाई अभियान पर्याप्त है या वो सफाई अभियान कम है। और आप देख सकते हैं सीएम फ्लाइंग की टीम है, साथ ही साथ नगर निगम की टीम यहां पर है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो धनधन सतगुरु तेरा यात्रा की टीम है डेरा सच्चा सौदा की, वो भी यहां पर लगी हुई है और लगातार सफाई अभियान में हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के नगर निगम से, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम फ्लाइंग के द्वारा यहां पर पहुंचे हैं, जांच की जा रही है। आपको बता दें कि एक विशेष सफाई अभियान पूरे हफ्ते चलाया गया था, उसको लेकर आज यहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची है, जांच करते हुए नज़र आ रही है कि एक हफ्ते में जो विशेष सफाई अभियान चलाया गया था उसमें क्या कुछ नगर निगम द्वारा किया गया है, किन किन जगहों पर जो है सफाई अभियान चलाया गया है, उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची हुई नज़र आ रही है, जांच करती हुई नज़र आ रही है, कागजात जो हैं इनसे लिए जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, क्या कुछ जो विशेष अभियान जो चलाया गया था सफाई का, उसको लेकर जो है आज यहां पर देख सकते हैं कि सफाई जो सीएम फ्लाइंग की टीम है वो यहां पर पहुंची हुई ज़रूर नज़र आ रही है। देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं सीएम फ्लाइंग के वो यहाँ पर पहुँचे हैं करनाल के नगर निगम में। पिछले आपको बता दें कि 1 तारीख से जो है विशेष अभियान सफाई अभियान चलाया गया था, उसको लेकर उसकी रिपोर्ट को लेकर जो है आज सीएम फ्लाइंग की टीम करनाल के नगर निगम ऑफिस में पहुंचती हुई नज़र आ रही है। वहां पर जो है दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और देखते हैं कि पूरी रिपोर्ट यहां पर जो है तैयार की जाएगी, आखिरकार जो विशेष सफाई अभियान था उसको लेकर कहाँ कहाँ पर जो है सफाई अभियान किया गया था और किस तरीके से पूरा कार्य रहा है, उसको लेकर जो है आज करनाल के नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम फ्लाइंग की टीम बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। सर, किस संदर्भ में आज यहाँ पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची है, कोई खास वजह? ये जी मुकुल, माननीय मुख्यमंत्री साहब के आदेश के अनुसार 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक से एक सफाई अभियान चलाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ये आदेश हुए थे कि भाई जो पुराना कूड़ा पड़ा है कहीं भी है, किसी प्रकार का CND वेस्ट है या हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, उसको उठाने के लिए आदेश दिए गए थे। तो अब जो सीएम फ्लाइंग से भाई साहब आए हैं, इनके आदेश है कि भाई जहाँ जहाँ हमने कार्य किया है उसको मुख्य निरीक्षण करना कि भाई कहाँ कहाँ आप लोगों ने सफाई करी। तो कब से कब तक हुआ सफाई? ये 1 तारीख से 7 तक पूरे हरियाणा में हुआ है? पूरे हरियाणा में, तो करनाल में भी हुआ? करनाल में भी। तो आप लोगों ने क्या क्या किया है? हमने करनाल में इसके लिए 3 JCB हैं और हमारे 11 ट्रैक्टर ट्रैली हैं और तकरीबन कोई 80-90 हमारे सफाई कर्मचारी थे। जहाँ जहाँ हमने कोई जो गंदी लोकेशन है किसी भी सेक्टर में वार्ड में, उसको हमने फाइनल किया है। फाइनल करने के बाद, चेक करने के बाद, वहाँ से जो भी खाली प्लाट में कूड़ा पड़ा है या CND वेस्ट पड़ा है या हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, वो सारा उठाया हमने। तो फिर कहाँ पर फेंका है? ये जो हमारा कूड़ा है, ये जो शेखपुरा प्लांट है वहाँ गया है, और हॉर्टिकल्चर है वो हमने अपने जो फूसगढ़ गांव में है या उसमें अपना एक अलग अलग जो एक सेक्टर 4 में है वहाँ इकट्ठा कर रखा है। उसी का निरीक्षण करेंगे? उसी का निरीक्षण करेंगे। और जो CND वेस्ट है वो हमने कहाँ से उठाया है, कहाँ डाला है, वो करेंगे। क्या होता है सर CND वेस्ट? CND वेस्ट में ये होता है जो अपने मकान का मलबा होता है ना, ईंट रोड़ा पत्थर है, वो होता है उसमें। आप कौन है सर? मैं जी CSI सुरेंद्र चोपड़ा। सीएम फ्लाइंग का इतिहास पूछता हूं चेक करने के लिए। हाँ जी, सीएम फ्लाइंग आई है आज? हाँ, सीएम फ्लाइंग। तो आप देख सकते हैं सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची है आज सुबह नगर निगम के दफ्तर में, जो करनाल के सेक्टर 12 में पड़ता है। और आपको बता दें कि पूरे हरियाणा के अंदर एक सफाई अभियान चलाया गया था 1 तारीख से 7 तारीख तक नगर निगम की तरफ से, और जिसमें करनाल भी शामिल था। करनाल में भी नगर निगम की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें कई JCB मशीनें लगी, कई कर्मचारी लगे, और साथ ही साथ इसके अलावा कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी लगी। और उसी के संदर्भ में आज सीएम फ्लाइंग की जो टीम है
वो यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आई। उन्होंने यहाँ पर आकर CSI जो इंस्पेक्टर हैं उनसे बातचीत की और अब मौके का निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेक्टर 32 में शायद वो जगह है जहाँ पर निरीक्षण करने के लिए CM फ्लाइंग की टीम जा रही है और प्रयास किया जाएगा आगे भी पता लगाने का। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नगर निगम से, नगर निगम के अधिकारियों की गाड़ियां साथ ही साथ CM फ्लाइंग की गाड़ियां निकलती हुई नजर आ रही हैं और उस मौके का निरीक्षण किया जाएगा जिसमें 1 से 7 तारीख तक काम हुआ है। CM फ्लाइंग उसका निरीक्षण करती हुई नजर आएगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 13 की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हैं और साथ में CM फ्लाइंग की टीमें भी पहुंची हैं और नगर निगम की जो टीम है जो काम कर रही है यहां पर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ JCB मशीन काम कर रही है और जो ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई गई है वो काम करती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो हॉर्टिकल्चर मलबा हो, कूड़ा हो या फिर घरों का जो मलबा होता है वो वाला मलबा हो, अलग अलग पॉइंट पर वो फेंका गया है और 1 तारीख से 7 तारीख तक जो विशेष सफाई अभियान चलाया गया है उसी को लेकर CM फ्लाइंग की टीम आज नगर निगम के दफ्तर पहुंची थी। पहले वहां पर पूछताछ की जाती है और उसके बाद अब मौके का मुआयना कर रही है अलग अलग जगहों पर जाकर CM फ्लाइंग की टीम। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप जो सेक्टर 7 है उसी इलाके में CM फ्लाइंग और नगर निगम की टीम पहुंची है और साथ ही साथ धंधन सतगुरु तेरा ही आसरा की जो टीम है वो लगातार आज सुबह से ही सफाई अभियान में हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये नगर निगम की जो JCB मशीनें हैं वो सफाई अभियान करती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल आज आपको बता दें कि CM फ्लाइंग की टीम पहुंची नगर निगम के दफ्तर में, वहां पर CSI जो इंस्पेक्टर रहते हैं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर उनसे पूछताछ होती है, उनसे बातचीत होती है। पता चलता है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरे करनाल के अंदर पूरे हरियाणा में विशेष सफाई अभियान चलाया गया था जिसके तहत 3 JCB मशीनें करनाल के अंदर, करीब 11 ट्रैक्टर ट्रोली और 80 से 90 कर्मचारी अलग अलग जगहों पर जाकर विशेष सफाई अभियान चला रहे थे जिसमें घरों का जो मलबा होता है, कोई घर बना रहा है बाहर मलबा रह जाता है वो मलबा उठाया गया, साथ ही साथ सड़क किनारे जो मलबा होता है वो उठाया गया, इसके अलावा बाकी जो मलबा होता है वो उठाया गया और अलग अलग डंपिंग पॉइंट पर छोड़ा गया और उसी का निरीक्षण करने के लिए अब CM फ्लाइंग की टीम मौके मौके पर जा रही है कि कहां कहां पर सफाई अभियान हुआ, कितना सफाई अभियान हुआ, कैसे सफाई अभियान हुआ, क्या वो सफाई अभियान पर्याप्त है या वो सफाई अभियान कम है। और आप देख सकते हैं CM फ्लाइंग की टीम है, साथ ही साथ नगर निगम की टीम यहां पर है और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो धंधन सतगुरु तेरा ही आसरा की टीम है डेरा सच्चा सौदा की वो भी यहां पर लगी हुई है और लगातार सफाई अभियान में हिस्सा लेती हुई नज़र आ रही है। जो विशेष सफाई अभियान चलाया गया वो 1 तारीख से 7 तारीख तक चलाया गया और उसी का अब निरीक्षण करती हुई नज़र आ रही है CM फ्लाइंग की टीम, साथ में चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर भी हैं और वो बता रहे हैं कि हमारी टीम इन 7 दिनों में इस लोकेशन पर गई, अलग अलग सेक्टर्स में गई, अलग अलग कॉलोनियों में गई, वहाँ पर कोई अगर बिल्डिंग बन रही है उसका मलबा रह गया उस मलबे को उठाया गया, हॉर्टिकल्चर जो मलबा था उसे उठाया गया, अन्य प्रकार का जो मलबा था वो उठाया गया और अलग अलग डंपिंग पॉइंट पर छोड़ा गया। क्या उसमें कोई खामी तो नहीं थी, क्या उसमें कोई लेट लतीफ़ी तो नहीं बरती गई, क्या उसमें जो अपनी जिम्मेदारी थी नगर निगम की उस पर वो बखूबी उतरती हुई नज़र आई या नहीं आई, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर CM फ्लाइंग की टीम आज निरीक्षण कर रही है। पहले नगर निगम के दफ्तर में गई, वहाँ पर पूछताछ हुई, वहाँ पर बातचीत हुई चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ, वो छापेमारी हुई और उसके बाद क्योंकि काम मौके का था तो फिर मौके पर निरीक्षण करना ज़रूर बनता था, इसलिए अब मौके पर निरीक्षण करने के लिए
सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची हुई है, साथ में चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो नगर निगम से हैं वो पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर देख रहे हैं कि कितनी जेसीबी मशीनों ने काम किया, कितनी ट्रैक्टर ट्रोलियों ने काम किया, कितने कर्मचारियों ने काम किया, जो काम किया गया उसमें कोई खामी तो नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। इन्हीं बातों को नोट डाउन किया जा रहा है और वही रिपोर्ट ऊपर बनाकर भेजी जाएगी। हमने देखे हैं बहुत सारे विभाग जहां पर कमियां पाई जाती हैं, जहां पर लेट लतीफी बरती जाती है, काम ढंग से नहीं होता है, आम आदमियों के कामों को लटकाया जाता है, वहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंचती है, छापेमारी करती है और वहां का फिर कंक्लूजन निकलता है। और इसी तरीके की आज छापेमारी जो है वो नगर निगम के दफ्तर में भी की गई है, जहाँ पर ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक जो विशेष सफाई अभियान चलाया गया क्या उसमें कोई खामी तो नहीं बरती गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शासत नाम की टीम, डेरा सच्चा सौदा की टीम लगी हुई है विशेष सफाई अभियान यहाँ पर जो चलाया गया 1 से 7 तारीख तक। उसके बाद 8 तारीख को आज डेरा सच्चा सौदा की टीम भी अलग अलग इलाकों में सफाई अभियान करती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ नगर निगम की टीम भी पहुंची हुई है, सीएम फ्लाइंग की टीम भी साथ है और इस बात का निरीक्षण किया जा रहा है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक जो विशेष सफाई अभियान चलाया गया कहीं उसमें कोई खामी तो नहीं है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसमें कहीं कोई जिम्मेदारी से भागता हुआ तो नज़र नहीं आया। अगर काम हुआ है 1 से 7 तारीख तक तो वो कहां कहां पर हुआ है, कितना हुआ है और किसकी मदद से हुआ है, यानी कि उसमें कितनी ट्रैक्टर ट्रोली, कितने कर्मचारी और कितनी जेसीबी मशीनें इस्तेमाल हुई हैं और उसी को देखते हुए नज़र आ रहे हैं सीएम फ्लाइंग के अधिकारी। आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरों को क्लिक किया जा रहा है और तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉली के नंबर हैं, जेसीबी के नंबर हैं वो नोट डाउन किए जा रहे हैं और ये पूरी जो रिपोर्ट है वो ऊपर बनाकर भेजी जाएगी और अलग अलग जगहों पर 1 से 7 तारीख तक विशेष जो अभियान है सफाई का वो नगर निगम की तरफ से चलाया गया था। आप देख सकते हैं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर भी हैं यहाँ पर, सीएम फ्लाइंग की टीमें भी हैं और नगर निगम की जो टीम है उनसे बातचीत करती हुई नज़र आ रही है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक जो विशेष सफाई अभियान चलाया गया वो कहाँ कहाँ पर चला और उसमें किस तरीके से काम हुआ। सर, आपने मौके का जायजा दिखाया है कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना काम हुआ। हाँ बिल्कुल, मौका दिखा रहे हैं इनके साथ, जोगेंद्र जी हमारे साथ में जी। क्या क्या काम हुआ है सर? यही साहब है कि जो सड़कों पे कूड़ा करकट, मलबा, हॉर्टिकल्चर वेस्ट है वो हमने कहाँ कहाँ से उठाया है और कितनी मात्रा में उठाया है। अब जहाँ जहाँ से हमने उठा दिया है वो हमने इनको विजिट करवा रहे हैं और जहाँ अभी काम चल रहा है उसका मौका निश्चित। कौन कौन से सेक्टर विजिट करवाए हैं सर आप? अभी हमने सेक्टर 13 हो गया, अभी हम सेक्टर 7 में हैं, इसके बाद सेक्टर 9 में जाएंगे, फिर ग्रीन बेल्ट में। यहाँ कोई कमी पेशी? यहाँ कोई कमी। तो क्या क्या लगा था सर इसके लिए? इसके लिए हमारे पास तकरीबन कोई 60 ट्रैक्टर ट्राली थे और 3 JCB, तकरीबन कोई 80-90 कर्मचारी थे हमारे खुद के अपने जो नगर निगम के थे। तो पूरे करनाल पूरे हाँ, क्योंकि पूरे करनाल में जो हमने गंदा एरिया था उसको हमने पहले चिन्हित किया, चिन्हित करने के बाद हमने वहाँ के लिए टीम बनाई, टीम बनाने के बाद हमने अलग अलग एरिया में 4 जोन में बांट के कार्य करवाया। तो सीएम फ्लाइंग भी नोट डाउन कर रही है सारी बात? हाँ बिल्कुल नोट डाउन। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम आज सुबह एकदम से पहुंच जाती है नगर निगम के दफ्तर में और नगर निगम में हड़कंप मच जाता है कि आखिर सीएम फ्लाइंग की टीम यहां पर क्यों आ गई, क्या छानबीन की जाएगी। और उसके बाद पता चलता है कि 1 तारीख से 7 दिसंबर तक पूरे हरियाणा के अंदर विशेष सफाई अभियान चलाया गया, सफाई अभियान का एक पखवाड़ा चलाया गया और उसी को लेकर निरीक्षण करने के लिए पहुंची है सीएम फ्लाइंग की टीम। दरअसल उस एक सप्ताह के अंदर क्या क्या काम हुआ तो पहले पूछताछ की जाती है CSI से, यानी कि चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से साफ सफाई करवानी है, कहां पर करवानी है, कितने समय तक करवानी है,
उनसे पूछताछ होती है, उनसे बातचीत होती है और उसके बाद दो गाड़ियां निकलती हैं नगर निगम के दफ्तर से अलग अलग पॉइंट्स पर। पहली सेक्टर 13 जाते हैं। दरअसल देखा ये जाता है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक जो विशेष सफाई अभियान चलाया गया उसके तहत कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, साथ ही साथ कितने लोग लगे थे, साथ ही साथ कितनी जो मशीनें हैं वो लगी थी। तो बताया गया सीएसआई की तरफ से कि 3 JCB मशीनें, करीब 8 से 10 ट्रैक्टर ट्रोली, 80 से 90 कर्मचारी और हॉर्टिकल्चर मलबा, साथ ही साथ जो घर बन रहे हैं उनका मलबा और बाकी मलबा उठाया गया अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग कॉलोनियों से। पहले उसे मेरठ रोड पर डाला गया और उसके बाद वहां से शेखपुरा डंपिंग पॉइंट पर फेंका गया। अभी उन तमाम चीजों का निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है सीएम फ्लाइंग की टीम। रिपोर्ट बनाई जा रही है, रिपोर्ट ऊपर भेजी जाएगी। वक्त बताएगा कि कितनी खामियां मिलती हैं या फिर नहीं मिलती। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नाथ।